हाय, मैं नवीन सैनी फ्री टेक क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहे होंगे। आपके छोटे भाई बहन के लिए भी हम इसी तरह का मैटर लेके आने वाले हैं। मंडे से हम उनके लिए 45 डेज का एक कोर्स लेके आ रहे हैं, जिसमें डेली का एक उनको टॉपिक समझाया जाएगा और उससे रिलेटेड उनको वर्कशीट फॉरवर्ड की जाएगी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जिससे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम आपके व्हाट्सएप नंबर पे भी फॉरवर्ड करें तो हम आपके व्हाट्सएप नंबर पे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर 9783333669 है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट पार्ट फर्स्ट। हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था और वो आपको समझ में भी आया होगा। क्यूब स्क्वायर में हम क्या करते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं। क्यूब में क्या करते हैं, तीन तीन का पेयर बनाते हैं। जैसे 3 × 3 × 3 तीन थ्री का क्या हो जाता है, एक पेयर एक बन जाता है, एक आ जाता है। थ्री तीन की जगह हम क्या करते हैं, एक को लेते हैं। आप देखते हैं उसके बाद में मैंने आपको स्क्वायर का भी समझाया था, क्यूब का भी समझा रहा हूँ कि हमें ये याद करनी है। 1 × 2 = 8, 3 × 2 = 26, 4 × 2 = 25, 6 × 2 = 216, 7 × 2 = 343, 8 × 2 = 519 × 7 × 9 = 10 × 2000। यानी ये तो हमें क्या करने, याद ही करने हैं। क्या करने, याद ही करने। देखो अपने नंबर क्या थे, 0 to 9 थे। तो देखो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया और 9 आ गया। कंप्लीटली यानी हमें क्या करना पड़ेगा, चेक ही करना पड़ेगा कि वो नंबर क्यूब है या नहीं है। लास्ट टाइम हमने स्क्वायर में बताया था कि जिसके एंडिंग डिजिट 2 3 हो, इस तरह से हमने बताया था आपको कि कैसे निकालते हैं। लेकिन क्यूब में हमें क्या करना पड़ेगा, चेक ही करना पड़ेगा। देन उसके बाद में आप जानते हो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 8। तो मोस्टली क्या हो जाता है, 10 और 20 के बीच में आ जाता है। आपको चेक करना है, लास्ट डिजिट से ही क्या करना है, चेक करना है। फिर 30 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 27, 8 × 27 के बीच में, 8000 से 27000 के बीच में जो भी नंबर आएंगे वो 20 से 30 के बीच में। ठीक है, जैसे अब मान लो मेरे को निकालना है, ये तो नंबर हो गए, किस तरह से आइडेंटिफाई करें। अब मान लो एक शॉर्ट ट्रिक होती है क्यूब निकालने की, आपने पढ़ा था, पढ़ा भी है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² + b³। ये फॉर्मूला है, क्या है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, सारे क्यूब्स निकालेंगे। जैसे मान लो 10 तक तो हमें याद है, 11 का निकालना है तो 11 निकालना। ठीक है, अब इसको हमने क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, a और b। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। बैक से 1 का क्यूब मींस 1 प्लस 3ab² 3 × a 3 × b² b² 1 ² 1 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देन ये प्लस 3 × a² 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 तो क्या हो गया, 3 हो गया। देन a क्यूब मींस 1 का क्यूब मींस 1 हो गया। यहां पे हमें एक एक डिजिट की क्या करनी है, लिखनी है। तो 1 3 3 1, ठीक है, ये हमारा 11 का क्यूब हो गया। इसी तरह से मैं आपको दूसरा और बताता हूँ, एक और एग्जांपल, बड़ा एग्जांपल लेके। मान लो 23 का क्यूब निकालना है, क्या निकालना है, 23 का क्यूब निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, ये a है और ये b है। b का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, 27 प्लस 3ab² मतलब 3 × 2 × b² = 3 × 9। ठीक है, 3 × 6 = 64,
कितना 54 प्लस ये 3 मल्टीप्लाई एज माइनस 2 मल्टीप्लाई 36 प्लस a क्यूब 2 टू द 4 हो गया, ये सारे नंबर आ गए। इस अकॉर्डिंग हम क्या देंगे, a के ही देंगे फर्स्ट डिजिट।